नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंटिन्यूटी यानी संतत। ये देखिए कैसे करना कैसे नहीं। कोई फंक्शन संतत कब होगा, जैसे मान के चलो आपका एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स जैसे एफ एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, तो ये देखिए कोई भी फंक्शन संतत जब होगा एफ एक्स की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये तीनों बराबर होंगी जब आपका फलन संतत होगा। पहली कंडीशन तो ये है, इसमें बस दो कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है और दूसरी कंडीशन है आपकी यदि लिमिट लगा दे हो, आप x टेंस टू a किस पे लगा रहे हो, एफ एक्स पे लगा रहे हो और ये वाली वैल्यू एफ ए के बराबर निकल रही है तो ये भी संतत होगा। ये देखिए लिमिट कैसे निकालते हैं, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं और ये क्या होता है लिमिट x टेंस टू a, ये टेंस टू का सिंबल है, ठीक है, ये कैसे सॉल्व करते हैं कैसे नहीं, तो ये देखिए आप क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन जैसे हमारा 5.1 से हम पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि एफ एक्स की वैल्यू जो गिवन है आपको वो है 5x माइनस के 3 और पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू माइनस 3 तथा एक्स और 5% तथा है एक्स बराबर के 3 एक्स बराबर के 0 दे रखा है और एक्स बराबर के माइनस 3 दे रखी है, ठीक है वैल्यू, और एक्स बराबर के दे रखा है 5 पर संतत है, यानी कंटिन्यूटी है इसकी, ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ। ये देखिए टू प्रूफ दैट ये सिद्ध करना है कि x बराबर के 0 x बराबर के माइनस 3 x बराबर के 5 पर संतत है, तो आप क्या करोगे प्रूफ करने के लिए, बस आपको क्या करना है या तो आप इस वाले फर्स्ट वाले फॉर्मूले से कर लो एफ एक्स बराबर के लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एक सेकंड वाला लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। ये देखिए दोनों आप समझना चाहते हो तो पहले मैं आपको फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और x बराबर के 0 पे ले लेते हैं। इसके तीन क्वेश्चन है x बराबर के 0 पे x बराबर के माइनस 3 पे और x बराबर के 5 पे। ये देखिए मैं फर्स्ट से आपको समझाना चाहता हूँ एफ एक्स की वैल्यू जो गिवन है, सॉल्यूशन लिखेंगे आप सबसे पहले एफ एक्स बराबर के आपको दे रखा है 5x माइनस के 3, ठीक है। यदि आप पहले वाले फॉर्मूले से करना चाहते हो तो एफ एक्स यानी एफ ए की वैल्यू चाहिए, एफ ए एफ एक्स मत लिखना है यहाँ पे, एफ ए की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। एफ ए कैसे निकालोगे, ए की वैल्यू वही है जो एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स बराबर के 0 पर लिखोगे एक्स बराबर के 0 पर, क्योंकि x बराबर की 0 पे मांग रहा है, फिर x बराबर की माइनस 3 पे भी निकालना है और x बराबर की 5 पे भी निकालना है, तो मैं निकालने जा रहा हूँ आपको x बराबर की 0 पे। तो ये देखिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस इक्वेशन फर्स्ट में ये देखिए आपको दे रहा था 5x माइनस के 3 दे रखा था क्वेश्चन में, ठीक है 5x माइनस के 3 ये समीकरण एक में x बराबर के a रखने पर एफ ए की वैल्यू चाहिए ना, एफ ए बराबर के। अब ये देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एफ एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, एफ एक्स एक्स बराबर की 0 पर रखोगे तो यहाँ पे 0 लिख लोगे 0, ठीक है, और यहाँ पे एफ एक्स बराबर की 5x माइनस की 3 था, एक्स बराबर की 0 पे निकाल रहे हो ना, एफ बराबर की 0 पे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और एफ 5 इंटू एक्स की जगह बस आपको 0 पुट करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स तो 0 रख दोगे माइनस के 3, 5 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 रह जाएगा, तो एफ 0 की वैल्यू आपकी आपकी 3 माइनस के 3, तो यहाँ पे एफ ए बोल लो या एक्स की जो वैल्यू दे रखी है एफ ए की तो वैल्यू ही आ गई। अब ये देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स की दिक्कत होती है लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लगाएं, राइट हैंड लिमिट कैसे लगाएं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाने के लिए देखिए आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है, आप एफ एक्स की एफ ए की वैल्यू तो निकाल चुके हो, जैसे ये एफ ए की वैल्यू दे रखी थी एफ ए, तो एफ ए की वैल्यू मतलब एफ जीरो की वैल्यू माइनस के 3 आ गई आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, एफ मतलब एक्स की वैल्यू जो दे रखी है उस पर हमने फंक्शन निकाल लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इतनी आनी चाहिए और राइट हैंड लिमिट भी इतनी आनी चाहिए, ठीक है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपका संतत होगा। ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में करते क्या, बस इतना सा याद रख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स के स्थान पर एक्स टेंस टू ए लिख देते हैं, एक्स के स्थान पर एक्स टेंस टू ए लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस करते हैं, ठीक है एक्स माइनस से, और राइट हैंड लिमिट में एक्स के स्थान पर एक्स प्लस के ए करते हैं, सॉरी एक्स प्लस के ए नहीं, एक्स प्लस के एक्स माइनस के एच करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे करते हैं एक्स प्लस के एच,
बस इतना सा ही आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखिए कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में अंतर कितना है, बस x की जगह x माइनस की h रखना है लिमिट लगाओगे तो। और राइट हैंड में प्लस क्यों करते हैं और लेफ्ट हैंड में माइनस क्यों करते हैं, आपने क्वाड्रेंट देखे होंगे, चार क्वाड्रेंट होते हैं, ये x की वैल्यू होती है माइनस की और x की वैल्यू होती है प्लस की, ठीक है, और ये y की वैल्यू प्लस की होती है, y की वैल्यू होती है माइनस की। ये हमारे राइट हैंड साइड होती है, राइट हैंड लिमिट हो जाती है, राइट हैंड की साइड में जा रही है, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। तो हम जब यहाँ से लेफ्ट में चलते हैं तो माइनस को जाते हैं, इसलिए एक्स में से एच का माइनस करना पड़ता है, और राइट में जाते हैं तो प्लस करना पड़ता है, इसलिए, ठीक है। अब ये देखिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए एफ एक्स की जो वैल्यू गिवन है आपको, एफ एक्स की है 5x माइनस के 3 है। अब आपको क्या करना है, लिमिट लगानी है, लिमिट एक्स की जगह लेफ्ट हैंड में जा रही हो ना, तो एक्स माइनस की एच लिखना है, ठीक है। यानी जहाँ भी एक्स दिखाई दे रहा है एफ एक्स में, ये देखिए जहाँ भी एक्स दिखाई दे रहा है ये वाली वैल्यू, उसमें से एच घटा देना है आपको, 5x माइनस के h, और माइनस के 3 चल रहा है ये, ठीक है। अब ये देखिए एक्स प्लस का उधर ले, एक्स प्लस का है उधर लेकर जाओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और एच माइनस का उधर लेकर जाओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, कितनी टाइम्स, 0 टाइम्स कट जाएगा, क्योंकि उधर लेकर जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का एच उधर लेकर जाओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एच टेंस टू एच माइनस का इधर लेकर आओगे प्लस का हो जाएगा, एक्स प्लस का उधर लेकर जाओगे माइनस का, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0। अब ये देखिए, अब यहाँ पे एक्स बराबर के हम 0 पे ले रहे हैं, एक्स बराबर के 0 पे ले रहे हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट कर दो बस, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, x की जगह 0 माइनस की h और माइनस की 3 चल रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आपका x का काम तमाम हो जाता है, यानी x की कंडीशन खत्म हो जाती है, तो अब आपको क्या करना है, लिमिट उठा देनी है। लिमिट उठा दोगे तो h की जगह कितना रख दोगे, 0 रख दोगे, h ये दिखाई दे रहा है, ये लिमिट हट जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 है ना, ये कब हटती है, जब x की कहानी समाप्त हो जाती है, ठीक है। और हमने x की जगह 0 क्यों रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में हम x बराबर की 0 जो क्वेश्चन दे रखा है, x बराबर की 0 पर इस पे ले रहे हैं। तो ये देखिए हमने क्या किया, बस यहाँ पे क्या करना है, लिमिट उठा दोगे तो 5, और 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, h की जगह क्या रखना है, 0 रखना है, माइनस के 0, माइनस के 3 चल रहा है, माने 0 को मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 0 हो जाएगा, तो बराबर के माइनस के 3 हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये देखिए राइट हैंड लिमिट में क्या करना है, राइट हैंड लिमिट में जैसा कि मैंने कहा था, लिमिट एक्स की जगह एक्स प्लस के एच लिखना है, और एफ एक्स में भी जहाँ एक्स आ रहा हो वहाँ पे एक्स प्लस के एच रखना है। एफ एक्स में ये देखो ये रिवैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू 5x माइनस के 3 था, तो बस आपको क्या करना है, 5x की जगह एक्स प्लस के एच रखना है, बस राइट हैंड लिमिट में बस एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स की जगह एक्स माइनस एच रखते हैं, बस इतना सही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, और ये देखिए माइनस के 3 चल रहा है, ये माइनस के 3 चला दोगे, अब ये देखिए एक्स से एक्स की कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये बराबर का काम करता है, एक्स उधर माइनस का हो जाएगा एच, ठीक है, और एच इधर लेकर आओगे तो लिमिट एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, एक्स उधर लेकर जाओगे माइनस का तो एच बराबर के या टेंस टू लिख लो 0, तो यहाँ पे 5 और एक्स की जगह ये देखो हम 0 पे निकाल रहे हैं, तो एक्स की जगह 0 रख दोगे, 0 प्लस के एच माइनस के 3, लिमिट उठा दोगे, एच की जगह आपको क्या रखना है, बस 0 रखना है, यहाँ पे 0 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये सब लिमिट फिमिट का काम खत्म हो जाएगा, 5 × यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 का मल्टीप्लाई माइनस के 3, तो बराबर के आपको 0 को मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस के 3 मिल रहा है, ये आपके आगे राइट हैंड लिमिट। तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, यहाँ एफ ए की वैल्यू यानी एफ 0 की वैल्यू, 0 पे लिया था हमने एफ 0 की वैल्यू, ये एफ 0 की वैल्यू माइनस 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 3 है, और राइट हैंड लिमिट भी माइनस 3 है, तो यानी 0 की एफ 0 की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर हैं, अतः यह फंक्शन एफ एक्स बराबर, ठीक है, एक्स बराबर के 0 पर संतत है, यानी कंटिन्यूटी है एक्स बराबर के 0 पे, ठीक है। अब ये देखिए, अब एक्स बराबर के माइनस 3 पे चेक करोगे, एक्स बराबर के माइनस 3 पे भी ऐसे ही चेक करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, और दूसरी मेथड से करना चाहते थे, लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की वैल्यू एफ ए के बराबर होनी चाहिए, तो सेकेंड में, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया मेरा, ये फर्स्ट मेथड था, ठीक है।
तो ये फर्स्ट मेथड था। अब सेकंड मेथड से करना चाहते हो इसे, तो सेकंड मेथड से देख लो, सेकंड मेथड से ठीक है। चलो सेकंड वाले x बराबर के माइनस तीन पर, जैसे फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू जो आपको दे रखी है फाइव एक्स माइनस के थ्री दे रखी है, फाइव एक्स माइनस के थ्री दे रखी है ठीक है, फाइव एक्स माइनस के थ्री दे रखी है x बराबर के। चलो अब मैं ले ले रहा हूँ ये सेकेंड वाले पे, माइनस थ्री वाले पे ले ले रहा हूँ, माइनस थ्री पे, माइनस थ्री पे संतत है कि नहीं है ये जानना चाहता माइनस थ्री पे ठीक है। मैं अब सेकंड मेथड बताने जा रहा हूँ आपको, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड से ठीक है। वो वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये एक्स बराबर जीरो का, तो मैंने उस वाले पहले वाले मेथड से बता दिया। सेकंड मेथड से ये देखिए क्या करना है आपको, बस आपको कुछ नहीं करना है, लिमिट एक्स टेंस टू, एक्स की जगह कितना रखना, माइनस के थ्री रखना है ठीक है, एक्स की जगह माइनस के थ्री रखना है, और इंटू एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है ठीक है, फाइव एक्स माइनस के थ्री रखना है ठीक है, और इंटू एफ ए की वैल्यू भी निकालनी है, बस इतना ही कुछ कर भाई। लिमिट वाले में एक्स टेंस टू एक्स की जो वैल्यू दे रखी है माइनस के थ्री वो रखना है, और ये इंटू एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स माइनस के थ्री, या यहाँ पे डायरेक्ट एफ एक्स लिख सकते हो। तो बस क्या करना है आपको, एक्स की जगह माइनस के थ्री पुट कर देना है, फाइव इंटू माइनस के थ्री, और माइनस थ्री चल रहा है, पाँच तीन पंद्रह, माइनस के पंद्रह और माइनस के तीन, माइनस के कितने हो गए, अठारह हो गए ठीक है। ये तो लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री है इंटू एफ एक्स की वैल्यू आ गई ठीक है। सेकंड मेथड में मैंने बताया था आपको, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल होना चाहिए एफ ए के बराबर। तो आपने क्या किया, बस कुछ नहीं, एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू ए है यहाँ पे, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे माइनस के थ्री हुआ था ठीक है, माइनस के अठारह आ गया इक्वेशन फर्स्ट, और एफ ए की वैल्यू और निकालनी है, एफ ए यानी ए की जगह माइनस के थ्री दे रखा है ठीक है, एक्स की वैल्यू जो है, तो एफ माइनस के थ्री की वैल्यू निकाल लोगे, तो यानी फाइव एक्स माइनस के थ्री दे रखा है, इसमें एक्स की जगह माइनस के थ्री रखना है, फाइव इंटू माइनस के थ्री ठीक है, और माइनस के थ्री चल रहा है, तो ये देखो यहाँ पे देखोगे तो माइनस पाँच तीन पंद्रह, और माइनस के तीन, माइनस के कितना हो गया अठारह, इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे लिख दोगे अतः लिमिट एक्स टेंस टू माइनस के थ्री पर, और एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, एफ माइनस थ्री के बराबर है, क्योंकि एक्स की जगह माइनस के थ्री दे रखा है, या ए लिख दोगे ठीक है यहाँ पे, क्योंकि एफ माइनस के थ्री की वैल्यू ये रही ठीक है, और लिमिट एक्स टेंस टू माइनस के थ्री, और एफ एक्स, ये एफ एक्स ही था आपका, ये दोनों बराबर है, अतः फलन संतत है, अतः एक्स बराबर के माइनस तीन पर फलन संतत है। नहीं समझ में आया तो देखो एक और, चलो एक और, एक और रह गया अभी इसका तीसरा पार्ट, एक्स बराबर के पाँच की बात और कर रहा था, तो ये देखिए, तो तथा एक और क्वेश्चन इससे समझ सकते हो आप, जैसे कि आपको एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है फाइव एक्स माइनस के थ्री, फाइव एक्स माइनस के थ्री, तीन क्वेश्चन दिए हैं इसने पहले क्वेश्चन में ठीक है। अब पूछ रहा है एक्स बराबर के पाँच पर, एक्स बराबर के ये पाँच क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, एक्स बराबर के पाँच पर ठीक है, संतत है कि नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट वाला ही क्वेश्चन कर लो, सबसे बढ़िया लिमिट सीख लो, नहीं तो ये वाला मेथड भी बढ़िया है, ये वाला मेथड भी कम नहीं है। तो सबसे पहले एफ फाइव की वैल्यू निकाल लो, एफ फाइव की, एक्स की जगह फाइव रख दो, एफ फाइव आ जाएगा, तो फाइव इंटू फाइव माइनस के थ्री, पचम पच्चीस, पच्चीस में से तीन घटाओगे तो बाईस, एफ फाइव की वैल्यू आ गई, और हमें चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू, यानी एक्स की जगह क्या दे रखा है फाइव, तो फाइव लिमिट होगी इंटू एफ एक्स। तो करोगे इसे लिमिट एक्स टेंस टू फाइव, और एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, एफ एक्स की फाइव एक्स माइनस के थ्री, फाइव एक्स माइनस के थ्री गिवन है। अब यहाँ पे लिमिट एक्स की जगह पाँच रख दो, बस एक्स की जगह पाँच रख दोगे और लिमिट हटा दोगे, लिमिट हटाते हैं तो इसका मतलब एक्स की जगह पाँच रखना बस हमें। तो ये देखिए पाँच इंटू पाँच माइनस के थ्री, पचम पच्चीस, पच्चीस में से तीन गए तब भी आपके बाईस आ रहे हैं ठीक है। यहाँ एफ फाइव की वैल्यू बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू फाइव पर एफ एक्स, अतः फलन संतत है। ये देखिए 22 इसकी वैल्यू भी है और 22 इसकी वैल्यू भी है, एफ फाइव की और इसकी भी है, अतः फलन संतत है, अतः एक्स बराबर की फाइव पर फलन कंटिन्यूटी है, यानी संतत है, फंक्शन जो आपका संतत है ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दे रखा है एक्स और के तीन पर फलन की संतता की जांच की करनी है एक्स और के तीन पर, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू गिवन है आपको, एफ एक्स की वैल्यू है आपकी टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू एक्स स्क्वायर माइनस के वन। इस पूछ रहा कि फलन की संतत्ता की जांच कीजिए, तो वही है। तो एफ एक्स सबसे एफ थ्री की वैल्यू चाहिए आपको, एफ एक्स की जगह लिमिट है थ्री, तो यहाँ पे थ्री रख दोगे थ्री, तो यहाँ पे टू इंटू एक्स के थ्री रखोगे, थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन माइनस के वन, नौ दूनी अठारह, अठारह में से एक गए तो सत्रह, ये सत्रह आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब लिमिट निकालनी है। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे एफ थ्री की वैल्यू आ गई, और ये देखिए लिमिट, अब एक्स की एक्स टेंस टू लिमिट किस पे लगानी है, तीन पे लगानी है, इतना लिखना है इंटू एफ एक्स, एफ एक्स का मान रख दो, बस कुछ नहीं करना आपको। लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है टू एक्स स्क्वायर माइनस के वन है। अब वो लिमिट हटा दो, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो टू इंटू एक्स की कितना रखोगे थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन और माइनस के वन, नौ दूनी अठारह और माइनस एक सत्रह, इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एफ थ्री की वैल्यू बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू थ्री पे एफ एक्स के बराबर आई है, एफ एक्स की वैल्यू के बराबर आई है ये वाली, ठीक है। अतः फलन एक्स बराबर थ्री पर संतत है, अतः फलन एक्स बराबर के थ्री पर संतत है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट से भी कर सकते हो, ये तो सेकंड मेथड से कर रहा हूँ, जल्दी हो रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट से भी कर सकते हो, राइट हैंड लिमिट से भी कर सकते हो। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री आपका, क्वेश्चन नंबर थ्री है कि संतता की जांच कीजिए। तो थ्री का ए पार्ट है कंटिन्यूटी की जांच करनी है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है बस खाली, एक्स माइनस के फाइव, एक्स माइनस के फाइव, यहाँ पे एक्स का एक्स की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है जिससे हम लिमिट ले सकें। तो मैं इसे सेकंड मेथड से करना बेटर समझूंगा। तो ये देखिए आपको करना क्या है, तो ये देखिए एफ एक्स बराबर के एक्स माइनस के फाइव है ये, तो इसमें आपको क्या करना है, ये संतत फलन है कि नहीं। ये देखिए संतत फलन की और भी कंडीशन होती है, पहली कंडीशन ये होती है फलन बहुपद बहुपदीय होना चाहिए, बहुपदीय का मतलब पॉलिनोमियल होना चाहिए, यानी एक से अधिक टर्म्स होने चाहिए, एक और दो हैं। और सेकंड कंडीशन होती है आपकी कि उसका डिफरेंशिएशन हो सके, इसके बाद डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एक्स का वन होता है, इसका बेशक जीरो हो तो पूरी फंक्शन में वैल्यू वन होती है। पहला तो पहली जो मैंने कंडीशन बताई थी कि बहुपदीय होना चाहिए, बहुपदीय 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 का मतलब, ठीक है, और एक अवकलनीय होना चाहिए, अवकलनीय। अब ये देखिए बहुपदीय और अवकलनीय में क्या अंतर है, ये देखिए बहुपदीय का मतलब होता है एक से अधिक टर्म्स हों, जैसे मान के चलो एक्स है तो ये बहुपदीय नहीं है, यदि एक्स के साथ में प्लस या माइनस करके कुछ और भी फंक्शन दे रखे हैं वन टू, या जैसे पोलिनोमियल, जैसे आपने एक टेंथ क्लास में पढ़ा होगा बहुपद, ठीक है, बहुपद का मतलब यानी पोलिनोमियल, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल होना चाहिए फंक्शन, तो ये बहुपदीय है तो ये फलन संतत होगा, कंटिन्यूटी होगी इसमें, ठीक है। अवकलनीय, यदि आपको अवकलनीय नहीं पता, डिफरेंशिएबल नहीं पता, तो मेरी वीडियो है 5.8 देख लेना, उसके बाद में 5.1 को देखना, ठीक है। पहले मैंने वीडियो आपकी 5.8 इसलिए कवर कराई है क्योंकि इसका मिलता जुलता चैप्टर इसमें 5.1 में शामिल है, ठीक है। तो आपको 5.8 देखनी है, उसके बाद 5.1 देखनी है। तो फंक्शन तो बहुपदीय है, अवकलनीय भी होना चाहिए, यानी जिसका डिफरेंशिएशन हो सके, और ठीक है ये दो कंडीशन तो होनी चाहिए मोस्टली। और फिर संतत होने के लिए मैंने दो कंडीशन अभी आपको बताई थी, ये वाली, ठीक है। एक कंडीशन तो ये वाली थी, एफ ए बराबर के लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे सीधा सीधा यदि एक्स की वैल्यू नहीं दे रखी है कोई अलग से, तो लिख लेना यह एक बहुपदीय है, अतः यह फलन संतत है, अतः यह फलन संतत है, इतना सही लिखना है बस आपको, ठीक है। अब ये देखिए बढ़ते हैं इसके बी पार्ट में, इसका बी पार्ट है एक्स की वैल्यू इसमें कुछ भी रख दोगे ना, क्योंकि बहुपदीय है तब भी क्या बोलते हैं बराबरी वैल्यू निकल के आएगी, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू ए और एफ ए, यहाँ पे जैसे मान के चलो आपने ए रख दिया तो एक्स माइनस ए हो जाएगा, वो सब ठीक है, बस बहुपदीय लिखना है बस इतना सा, ठीक है, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। और सेकेंड बी पार्ट दे रखा है आपको एफ एक्स बराबर के वन अपॉन एक्स माइनस के फाइव, ये भी बहुपदीय है, अपॉन में तो है, डिवाइडेड में तो है,
तो यहाँ पे लिख देना दो बहुपदी फलनों का भागफल है, दो बहुपदी फलनों का भागफल है, ये है दो बहुपदी फलनों का भागफल है, अतः यह फलन संतत है। लिख लेना अतः यह फलन x के किसी मान के लिए भी संतत है, x के किसी भी मान के लिए संतत है। संतत होने की उस कंडीशन उन्होंने बता दी बहुपदी होना चाहिए, बहुपदी का मतलब एक ही स्टेप नहीं होना चाहिए, ठीक है, और भी स्टेप होनी चाहिए प्लस माइनस करके, ठीक है, वो बहुपदीय फंक्शन कहलाता है यानी पॉलिनोमियल कहलाता है। अवकलनीय होना चाहिए, डिफरेंशियबल होना चाहिए, डिफरेंशियल को तो अभी भूल जाओ आप यदि, ठीक है, आप 5.1 कर रहे हो, यदि आपने पूरी कंप्लीट कर ली और लास्ट में करते हो तो आप अवकलनीय का मतलब भी समझ जाओगे, ठीक है। अब इसके सी पार्ट की बात कर रहे हैं तो सी पार्ट में ये देखिए, इसके सी पार्ट में जो आपको गिवन है वो दे रखा है आपको एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस के 25 अपॉन के एक्स प्लस के 5 दे रखी है। क्या ये भी आपका, ठीक है, एक्स बराबर के डज नॉट इक्वल टू 5 दे रखा है और एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस के 5 ये दे रखा है आपको, ठीक है, बराबर के 5 तो नहीं दे रखा। ये देखिए सबसे पहले आपको सॉल्व करना इसे, ठीक है, एफ एक्स बराबर के, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक फॉर्मूला बनता है, एक्स स्क्वायर 25 पाँच का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है अपॉन में एक्स प्लस के 5 दे रखा है। एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो एक बार जोड़ दोगे एक्स प्लस के 5 और एक बार घटा दोगे एक्स माइनस के 5 अपॉन में दे रखा है एक्स प्लस के 5, एक्स प्लस के 5 से एक्स प्लस की कहानी समाप्त हो जाएगी तो आ गया आपकी वैल्यू एक्स माइनस के 5 आ गई। तो ये लिख देना यह एक बहुपदी है, ठीक है। अब एक्स की कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रखी है इक्वल में एक्स, अतः यह एक बहुपदीय होने के कारण यह एक बहुपदीय है यानी पॉलिनोमियल है, अतः यह फलन x के किसी मान पर संतत है, अतः यह फलन x के किसी भी मान के लिए संतत है, x के मान के लिए संतत होगा, लिए संतत है। ये देखिए जब पार्टिकुलर जब x इक्वल टू में x की, ये देखो डज नॉट इक्वल टू दे रखा है इसमें, ठीक है, जब पार्टिकुलर कोई इक्वल में बात करे तभी हमें, जब ये दो फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको ये दोनों वाले, जब ही इनका यूज करना है जब x की कोई x टेंस टू कोई लिमिट दे रखी हो तो। अब ये देखिए जो आपकी इस वाले क्वेश्चन में नहीं थी अब डी वाले क्वेश्चन में मिलेगी आपकी, तो ये देखिए डी वाला क्वेश्चन क्या आपका, आपका डी क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 मोड ऑफ में, इसे मोड ऑफ बोलते हैं, ठीक है, और यहां पे जो इक्वल टू जो वैल्यू गिवन है आपको वो है आपके x माइनस 5 जब x की वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, किसके 5 के, और ये दे रखा है 5 माइनस x जब x छोटा हो यानी लेस देन हो इससे 5 से। तो ये देखिए आप किसी भी फंक्शन से कर सकते हो, या तो इस वाले का यूज करके कर सकते हो, पहले वाले में x की वैल्यू या तो 5 की इससे बड़ी रखनी है या 5 के बराबर रख लेते हैं, या फिर इससे प्रूव कर सकते हो संतत है कि नहीं है। यहाँ पे x की वैल्यू जो है पार्टिकुलर बोल रहा है या तो 5 से बड़ी रख लो या बराबर रख लो, तो हम मान लेते हैं, माना x बराबर की 5 रख देते हैं, या तो बड़ी रख लो, 5 से बड़ा कौन होता है, 6 होता है, 7 होता है, कुछ भी रख सकते हो या बराबर रख सकते हो, तो इस वाले में, ठीक है, तो माना x बराबर के 5 पर, x बराबर के 5 पर कौन सा फलन
ठीक है, ये रहा, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस की 5। तो ये देखिए जब आपको x की वैल्यू दे रखी है तो आप ये देखिए f a की वैल्यू निकाल लो, यानी f 5 की वैल्यू निकाल लो, f 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस के 5 बराबर के 0। अब मैं लिमिट से कराने से कर रहा हूँ क्योंकि लिमिट से भी क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि लिमिट से नहीं आते उनको। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर लिखोगे राइट हैंड लिमिट, बस आपको क्या करना है एफ एक्स की जो वैल्यू गिवन है आपको बस वहाँ पे एक्स की जगह इसमें एक्स माइनस के एच रखते हैं, ये इतना सा याद रख लेना, और राइट हैंड लिमिट में एक्स की जगह एक्स प्लस के एच लिखते हैं और लिमिट लगा देते हैं। तो मैं लिखूंगा लिमिट, ठीक है, एक्स की जगह एक्स माइनस के एच, एक्स माइनस के एच और इंटू एफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स की जगह एक्स प्लस के एच इंटू एफ एक्स। बस मुझे क्या करना है एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। अब ये देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, जैसे ये माइनस का हो जाएगा माइनस का एच उधर लेकर आओगे प्लस का हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू एक्स, एक्स का जाएगा कितनी टाइम 0 टाइम, और एफ एक्स की वैल्यू जो आपको गिवन है एफ एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस के 5, एक्स माइनस के 5 इंटू एक्स माइनस के 5 रख दूंगा मैं, ठीक है, नहीं यहाँ पे आपको क्या करना था एक्स की जगह एक्स माइनस के एच लिखना था, एक्स माइनस के एच इस वाली लिमिट में, ठीक है, और यहाँ पे एक्स प्लस के एच लिखना था आपको, एक्स प्लस के एच। तो ये देखिए तो बस एक्स की जो वैल्यू थी एक्स में से क्या घटाना मुझे माइनस के 5 घटाना है, ठीक है, एक्स की जगह एक्स में से माइनस के 5, ये एक्स की जगह माइनस के एच घटाना है, एक्स की जगह हम एक्स माइनस एच करते हैं ना, एक्स माइनस एच ये रही एफ एक्स की वैल्यू, बस एक्स की जगह बस मैंने क्या कर दिया एक्स माइनस की एच रख दिया, माइनस 5 तो चल ही रहा था, ठीक है, इतना करना था। और यहाँ पे लिमिट एक्स एक्स कट जाएगा तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और एफ एक्स एक्स प्लस के एच रखते हैं, इसमें एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख देना है आपको, ठीक है, और माइनस के 5 चल ही रहा है, माइनस के 5 चल रहा है। अब ये देखिए एक्स की वैल्यू कितनी गिवन थी, हम एक्स बराबर कितने पे ले रहे हैं, एक्स बराबर 5 पे ले रहे हैं, तो एक्स की एक्स बराबर 5 रखने पर एक्स बराबर की 5 पर तो लिमिट एस टेंस टू 0, ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक्स की जगह रखने जा रहा हूँ 5, माइनस के 5 चल रहा है, माइनस के एच चल रहा है, ये एच है, ठीक है, और माइनस के 5 चल रहा है। अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका 5 से 5 खत्म हो जाएगा, माइनस के एच बचेगा, ठीक है, तो अब एच बचा यहाँ पे, अब एच की जगह क्या रख दोगे 0 रख दोगे, लिमिट उठाओगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। बस लिमिट उठाते हैं 5 से 5 की कहानी खत्म हो गई। लिमिट कब रखते हैं जब एक्स खत्म हो जाता है हमारा, एक्स की जगह एक्स का मान रख दिया, एक्स और भी 5 पे निकाल लेना हम, तो बस आपने क्या किया एक्स की जगह 5 रख दिया, 5 से 5 कट रहा है, माइनस के एच बचा है, अब लिमिट हटा दोगे, एच की जगह क्या रखना है 0 रखना है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आई है आपकी, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आपको राइट हैंड लिमिट में क्या करना है, राइट हैंड लिमिट में ये चीज़ चल रही थी, अब एक्स और के यहाँ पे भी 5 रखोगे, एक्स और के 5 पे निकाल लो ना, तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे 5 रखोगे तो 5 प्लस के एच और माइनस के 5 तो चल ही रहे हैं इसमें, और 5 से 5 की खानी खत्म हो गई, एच बचा एच की जगह ये लिमिट एच टेंस टू 0, अब लिमिट उठा दोगे, लिमिट जब भी उठाते हैं जब एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, अब एच की जगह क्या रखना है 0 रखना है, एक्स की जगह 0, एच की जगह 0 रख दोगे तो क्या आपका क्या आ जाएगा 0, ये आपकी राइट हैंड लिमिट है। तो आपको दिखाई दे रहा है एफ 5 जो मैंने ये ऊपर निकाला था, एफ 5 की वैल्यू कितनी निकाली थी 0, और बराबर के लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0, बराबर के राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की भी सभी की वैल्यू 0 आई है, अतः फलन एफ, ठीक है, फलन एक्स बराबर के 5 पर संतत है, संतत होने की कंडीशन यही थी, संतत होने की एफ की मतलब 5 पर है ना, तो एफ एक्स बराबर के लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में ये देखिए क्या करना है आपको, ये देखिए आपको दे रखा है एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, तो पूछ रहा है एक्स बराबर के एन पर संतत है कि नहीं, एक्स बराबर के एन पर संतत है कि नहीं, एक्स की जो वैल्यू दे रखी है एन पे पूछ रहा है पर संतत है कि नहीं है, तो बस आपको क्या करना है एफ एन की वैल्यू निकाल लोगे, एफ एन की वैल्यू देखोगे तो एक्स की जगह एन, एक्स के एन रखोगे, मैंने एक्स के एन रख दिया तो एन की पावर एन आ गई, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब आपको क्या लिखना है लिमिट एक्स टेंस टू, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है एन पर चेक कर रहे हो, कि कौन सा फंक्शन चेक कर रहे हो, एफ एक्स को चेक कर रहे हो इस वाले को, तो ये देखिए आप क्या लिखोगे लिमिट एक्स टेंस टू एन,
ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे, एफ एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स की पावर एन है। अब आपको क्या करना है, एक्स की जगह एन, अब लिमिट उठा दोगे, एक्स की जगह एन रख दोगे, तो एक्स की जगह एन रख दोगे, तो एक्स की जगह एन रख दोगे, एन की पावर एन, तो इसमें भी ये किसकी आई है, लिमिट एक्स टेंस टू एन इंटू एफ एक्स की वैल्यू भी यही आई है इक्वेशन सेकेंड। यानी दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है, ठीक है। यहाँ एफ एन की वैल्यू भी इक्वल है किसके, लिमिट एक्स टेंस टू एन पर एफ एक्स की, ठीक है, अतः फलन संतत है, क्योंकि सेकंड वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। मैंने कहा था फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को फॉलो करेगा वही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।